हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेफ इकबाल शाह, आप देख रहे हैं शेफ 21 ऑन के 21 न्यूज़। खुशामदीद कहते हैं दोस्तों, आज का दिन यकीनन बहुत अहम योम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम, और बाकी आगाज़ इसी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुआ के साथ करते हैं कि मेरे अल्लाह मेरी इज्जत के लिए यही काफ़ी है कि मैं तेरा बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए भी यही काफ़ी है कि तू मेरा परवरदिगार है, तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ, बस तुम मुझको वैसा बना दे जैसा तू चाहता है, आमीन। और बाकी आई थिंक सच्चे दिल से दुआ जरूर करनी चाहिए। बाकी यही कहूँगा दोस्तों, बेस्ट चीज़ ये कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात की जाए, हज़रत इमाम हुसैन हसन सब की अगर बातों पर अमल किया जाए, जिन सब का यकीनन बुनियादी मकसद हक का मैसेज था, मोहब्बत का मैसेज था, और अगर उन पर फॉलो किया जाए यकीनन हम सब की ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है। इसके साथ ही वन मोर टाइम रेसिपी का आगाज़ करते हैं, रेसिपी की तरफ भी चलते हैं, और जैसे कि आप जानते हैं मेहरान की तरफ से सवाल होते हैं जिसका जवाब देकर आप इनाम जीतते हैं दोस्तों। तो कल का जो हमने सवाल पूछा था उसके बाद जिन दोस्तों ने गिफ्ट जीतने में जो लोग कामयाब हुए उनकी आपको नाम अनाउंस करते हैं दोस्तों, देख लीजिए, हो सकता है आप में से कोई हो खुश नसीब जिन्होंने विन किया हो माइक्रोवेव ओवन अवारी टावर का वाउचर या और कुछ भी। तो कल के विनर से दोस्तों, इसमें पहली विनर से कल की आयशा इकबाल, I'm so sorry, one more time, सुनिएगा, पहली विनर हमारी आयशा इकबाल नहीं बल्कि अलीजे शाहिद। कल के जो विनर थे उसमें से पहली विनर है अलीजा शाहिद, और उसके बाद अलीजा शाहिद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। उसके साथ ही दूसरी विनर थी मदीहा नूर, मदीहा नूर आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो मेरी जानिब से, हमारी टीम की जानिब से, मेहरान की जानिब से। मदीहा नूर के बाद तीसरी विनर थी हमारी तस्लीम अख्तर जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। फोर्थ विनर थी हमारी रशना जईद, ठीक है, चार विनर कल की हमारी जिसमें माइक्रोवेव ओवन और बाकी गिफ्ट भी जीतने में कामयाब हुए हैं। वन मोर टाइम सुन लीजिए, अलीजा शाहिद, मदीहा नूर, तस्लीम अख्तर, रशना जई, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों आज का सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आज का सवाल सिर्फ इतना सा है कि पाकिस्तानी जितने भी अब खाने बना रहे हैं लेकिन हम सबकी पसंदीदा आज भी जो चीज़ बहुत आला बिरयानी होती है, ठीक है। और दोस्तों सवाल का दुरुस्त जवाब देख रहा है, माइक्रोवेव ओवन और बाकी नामात भी जीतेंगे। आज का सवाल सिर्फ इतना सा है कि मेहरान की बिरयानी रेंज में से, बिरयानी की जो रेंज है उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, बॉम्बे बिरयानी, सिंधी बिरयानी, फिश बिरयानी भी, उनमें से आपकी फेवरेट बिरयानी कौन सी है, ठीक है। मेहरान की जो बिरयानी रेंज है उनमें से आपकी फेवरेट बिरयानी, सबसे ज़्यादा पसंदीदा बिरयानी आपकी कौन सी, सवाल का जवाब देंगे आप मेहरान फूड्स के फेसबुक पेज पे जाके, जिसका लिंक आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा होगा, वहां जाके आप जवाब दीजिएगा आपकी फेवरेट बिरयानी कौन सी है। चलते हैं रेसिपी की जानिब, और दोस्तों आज जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, यकीनन रमजान में अफ्तार की रौनक होती है, बहुत से घरों में दस्तरखानों की जीनत होती है, रोल, ठीक है। तो आज हम रेसिपी शेयर कर रहे हैं बहुत ही खास, वेजिटेबल रोल, स्प्रिंग रोल भी जिसे कहा जाता है। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले मौजूद है रोल की पट्टियां जिसे मांडा पट्टी भी कहा जाता है, ठीक है, हमारे ड्रम में होटल या रेस्टोरेंट में मांडा पट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। रोल की पट्टियां जो इजीली जहां से भी आप ले रहे हैं वहां से बनवा लीजिए, और किसी दिन मौका मिला तो इंशाल्लाह इसकी रोटी भी यहां बनाएंगे हम, ठीक है। रोल की पट्टियां एज रिक्वायर्ड, बाकी दीगर चीज़ों में ज़ाहिर है वेजिटेबल बना रहे हैं तो सब्जियाँ अच्छी खासी मौजूद हैं, ठीक है, जिसमें बंद गोभी भी है, गाजर भी है, प्याज भी है, शिमला मिर्च भी है। मसालों की दुनिया में बट उससे पहले बॉयल अंडे भी शामिल करने, इसमें लाल मिर्च कुटी हुई दोस्तों, काली मिर्च कुटी हुई, क्रस्ट, ब्लैक पेपर, सोल्ट, नमक, यकीनन जहां से जायके की इब्तिदा हुई, एक अदद अंडा मौजूद है, ठीक है। साथ ही सोया सॉस मेहरान की, चीनी भी शामिल करनी है, सफेद मिर्च, व्हाइट पेपर, अदरक लहसुन पिसा हुआ, ठीक है, और पेश करना बहुत ही खास चिली गार्लिक सॉस के साथ। चलते हैं रेसिपी की जानिब दोस्तों, पाउडर रखा, ऐड करते हैं इसी के अंदर कुकिंग ऑयल, ठीक है, और आज रोल कर रहे हैं तैयार। ऑयल दोस्तों लगभग 2 से 3 खाने के चमचे, 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया, मांडा जरा से स्क्रब कर लेते हैं। क्विकली दोस्तों सब्जियों की करते हैं कटिंग, और आपकी कॉल्स भी लेंगे जो लोग कॉल्स करके पार्टिसिपेट करते हैं, फेसबुक की दुनिया में मेहरान फूड के फेसबुक पेज पे भी मौजूद होते हैं, उनके यकीनन ज्यादा चांसेस होंगे। चलते हैं रेसिपी की तरफ, प्याज मौजूद, अनियन एक उठाई, ठीक है, और इसके दोस्तों 2 पीस किए, ठीक है दोस्तों, और अनियन करते हैं कटिंग, अनियन के साथ बाकी भी वेजिटेबल रोल बना रहे हैं,
अब चाहें तो चिकन भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। क्विकली इस तरह करना है स्लाइस्ड, ठीक है दोस्तों। अनियन करें स्लाइस्ड, प्याज को स्लाइस्ड, और प्याज के बहुत फायदे, जिस तरह हमने कहा जिन लोगों के बाल गिरते हैं उनके लिए भी प्याज यकीनन बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है। अच्छा प्याज ऐड करते हैं, लेकिन दोस्तों ये क्विकली प्रोसेस होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ब्राउन किसी चीज को भी नहीं करना, किस तरह करना आपको बताते हैं। इस प्लेटर में हम रखी प्याज अनियन, ठीक है। प्याज के साथ ही गाजर की कटते कटी, ठीक है। गाजर ये कैरेट मौजूद है ऑरेंज वाली, ठीक है। रोल की कटते कटिंग सब्जियों की रोल के लिए गाजर इस तरह स्लाइस कर लेना आपने, ठीक है दोस्तों। स्लाइस करने के बाद आपने इसे सेट करना है, और उसके बाद इसे करना है फाइन जूलियन, लंबाई में आपने काट लेना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये शो रोजाना लाइव 5 से 6 रिपीट सुबह 11 से 12 बजे तक, और बाकी हमें आप ज्वाइन करना चाहें फेसबुक की दुनिया में शेफ 21 के नाम से, हमारा फेसबुक पेज जरूर लाइक कीजिए। मुझे अगर सर्च करना चाहें तो लिखेंगे शेफ इकबाल शाह यूट्यूब की दुनिया में, तो हमारा चैनल है जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फरजाना जी मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार आपका, आपकी पूरी टीम से दिल की गहराइयों से, खुश रहिए, आबाद रहिए। आमीन जज़ाकअल्लाह। और आप बताइए कहाँ हैं फरजाना जी, इतने दिनों से कैसी हैं आप? अच्छा, आपको पता है आजकल के रोजे जो हैं अल्लाह ताला हम सबकी कबूल फरमाए, आमीन आमीन आमीन। चल रहे हैं, थोड़ी सी इबादत ज्यादा हो जाती है जी, टाइम कम मिलता है देखने को ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा फरजाना जी आपने, दुआ में आप सब याद रहते हैं, और क्या हमें सीखने को बहुत सारी चीजें मिलती हैं। अभी रमजान में भी आपने एक केक चीज बनाई है, बहुत सारी वैरायटी दी है हमें, मोहब्बत है प्यार है। वैसे हमारी खवातीन भी आई वुड से कि बहुत अच्छी रेसिपीज और काफी क्रिएटिव काम आप करते हैं, तो आपकी मोहब्बत हमारी मोहब्बत के साथ होती है, जब इतना शो नंबर 1 जा रहा है। जी जी बिल्कुल, ये आपका प्यार है, थैंक यू सो मच। और चीज बॉल बनाना सिखाइएगा, कि चीज बॉल है ना जी, कि वो चीज बॉल बनाते हैं ना जी जी, वो बनाना सिखाइएगा। और ये बता दीजिए मैंगो शेक हम बना के कैसे फ्रीज कर, यानी कि अगर सच्ची जब गर्मी आ रही है मैंगो है तो इसको बना के हम जैसे रख लें। देखिए हमने मैंगो शेक बनाया था। अच्छा जी जी, ठीक है ना, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, खुश रहें, शाद आबाद रहें। दोस्तों ऑयल में प्याज ऐड किया, और करना कुछ इस तरह, वक्त कम है, जरा सा एक गार्लिक ऐड करते हैं इसी के अंदर, ठीक है। कोई दोस्तों 1 टेबल स्पून, साथ ही गाजर कैरेट जो जूलियन काटा है वो भी इसी के अंदर शामिल करते हैं, ठीक है, वेजिटेबल रोल के लिए। और दोस्तों क्विकली जरा देख लीजिए, उसके बाद क्या करना है, बंद गोभी जूलियन करके मैं इसके अंदर ऐड काट रहा हूँ बंद गोभी को जूलियन, लेकिन आप दीजिए छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करते हैं, बल्कि ब्रेक के दौरान दोस्तों ये बंद गोभी में काट कर इसके अंदर शामिल कर दूंगा, फिर क्या करना आपको बताते हैं, मिलते हैं वक्त के बाद। आइए दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर शो, आप देख रहे हैं शेफ 21, मुझे कहते हैं शेफ इकबाल शाह। आज स्प्रिंग रोल हम कर रहे थे यार आगाज में दोस्तों, ऑयल में लहसुन सोते किया, उसके बाद प्याज शामिल किए, गाजर बंद गोभी, और दोस्तों से हमने कुक किया, और साथ ही आपने क्या करना, जरा जरा सा इसके अंदर पानी ऐड करते रहना। देखिए सब्जी ये चाइनीज स्टाइल के रोल है, और ये बहुत कम लोग ये जानते हैं किस तरह इसको सॉफ्ट रखना है। देखिए इसे ब्राउन नहीं करना होता, लेकिन सिर्फ नरम करना होता है, देखिए सॉफ्ट हो रही है। अब क्या करना है, इसी के अंदर ऐड करते हैं दोस्तों हरी प्याज, स्प्रिंग अनियन भी, ठीक है, बंद गोभी, प्याज और गाजर के बाद हमने स्प्रिंग अनियन भी इसी के अंदर शामिल की,
करते हैं इसे मिक्स, ठीक है, और साथ ही कुछ और चीजें दोस्तों इसी के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है, और जिसमें ऐड करते हैं सोया सॉस मेहरान की दोस्तों, लगभग 2 से 3 खाने के चमचे। और बाकी आज का सवाल इतना सा कि मेहरान की जो बिरयानी रेंज है उसमें आपकी पसंदीदा बिरयानी कौन सी। बिरयानी में बहुत वैरायटी है, चाहे बॉम्बे बिरयानी हो, सिंधी बिरयानी, टिक्का बिरयानी, आजकल फिश बिरयानी, बहुत सी वैरायटी है। उसमें से आपकी फेवरेट बिरयानी कौन सी और क्यों है, इस सवाल का जवाब देंगे मेहरान फूड्स के फेसबुक पेज पे जाके, ठीक है, और उसके बाद जवाब इसलिए दीजिए कि उसके बाद ही होगा लकी ड्रॉ के बाद 4 ऐसे विनर्स होंगे जो गिफ्ट हैम्पर जीत पाएंगे घर बैठे, ठीक है, जहाँ रेसिपी सीखने साथ ही गिफ्ट हैम्पर भी, तो गिफ्ट में बिल्कुल माइक्रोवेव ओवन और बाकी इनाम आती है। सब्जियों के बाद सोया सॉस शामिल किए, उसके बाद कुछ मसाले ऐड करते हैं दोस्तों, चीनी भी इसके अंदर शामिल करते हैं। सबसे पहले चीनी 1 और 2 चाय के चमचे। दुनिया के जो बेस्ट पेस्ट्री शेफ्स होते हैं वो नमक के साथ हल्का सा चीनी भी मिलाते हैं। अच्छा दोस्तों, साथ ही नमक भी ऐड करते हैं हसबे जायका। व्हाइट पेपर, सफेद मिर्च 1/2 चाय का चमचा, काली मिर्च ये भी 1/2 चाय का चमचा, लाल मिर्च कुटी हुई ये भी 1/2 टीस्पून, ठीक है। इसे करते हैं दोस्तों हम जरा सा मिक्स, ठीक है। वैसे हम सब्जियों को पहले ही दोस्तों काफी कुक कर चुके थे, ठीक है, ये चाइनीज स्टाइल के रोल और काफी मजे के इंशाल्लाह होंगे तैयार। सॉस अच्छी हो, चटनी हो या जो, डेफिनेटली से जब सर्व करेंगे मेहरान के गार्लिक सॉस के साथ उसका अपना ही मजा, ठीक है दोस्तों। ये हो चुकी है तैयार, उसके बाद चूल्हा कर लेना है बंद, और बंद करने के बाद सब्जियों को आपने ठंडा कर लेना है, ठीक है। और आपने क्या करना है कि इसे आपने एक मर्तबा बनाकर रख लिया और 1 हफ्ते तक दोस्तों यूज कर सकते हैं रोजाना, बल्कि ये भी किया जा सकता है इसके रोल ठंडा करने के बाद इसके रोल बना लिए और फ्रिज में प्रिजर्व कर सकते हैं, जब अफ्तार का टाइम आया आपने फ्रिज से रोल निकाले और फ्राई किए, ठीक है। तो ये सिलसिला बाकी कुछ देर में कॉल्स भी लेते, लेकिन पहले से ठंडा कर लेते दोस्तों, ठीक है। इसे आपने ठंडा कर लेना है, देखिए, ठीक है, फैला लेना है और इसे आपने बिल्कुल ठंडा खोल लेना दोस्तों, ये कांटे से, ठीक है, इस तरह आपने इसे खोल लेना है ताकि जितना हो सके ये ठंडा हो जाए, ठीक है, जो बहुत जरूरी है। ठंडा होने के बाद इसके हमने रोल भी करने हैं तैयार, ठीक है, कुछ देर के लिए दोस्तों से रखते हैं हम, और तब तक क्या करते हैं दोस्तों, हम चलते हैं फ्रूट चाट की जानिब, ठीक है, इसे ठंडा करते हैं, उसके बाद मांडा पट्टी में इसके रोल करने हैं तैयार। लेकिन हम चलते हैं वैसे फ्रूट चाट, और फ्रूट चाट में आजकल जिस चाट का बहुत रुझान है क्रीमी चाट, तो क्रीमी चाट की तरफ चलते हैं और किस तरह बनानी है आपको बताते हैं दोस्तों। क्रीमी फ्रूट चाट के लिए मिक्सिंग बाउल लिया, ठीक है, और मिक्सिंग बाउल में दोस्तों मेहरान का देखिए फ्रूट कॉकटेल, मिक्स कॉकटेल मिलता है, ठीक है, ये यूज कर रहे हैं। फ्रेश फ्रूट्स भी डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं, लगभग देखिए 1 टिन, इसमें दोस्तों पाइनएप्पल भी है, ठीक है, पीच भी है आड़ू, और इसके अलावा चेरी है, ठीक है, लीची भी है, ठीक है, काफी चीजें इसके अंदर देख सकते हैं आप। एक और टिन दोस्तों, और इसमें से हम पानी निकाल लेना है इसका, उसके बाद ये भी इसी के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है दोस्तों। मिक्स फ्रूट कॉकटेल है, ठीक है, जिसमें पाइनएप्पल, अनानास और पीच, दोस्तों ये वो चीजें हैं जो आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छी है, आपको ताजगी और ठंडक का एहसास दिलाएंगी यकीनन। इसके साथ ही एक एप्पल लेते हैं, ठीक है, कहा जाता है एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, वो लोग जो अपना वेट लूज करना चाहते हैं तो उनके लिए भी एप्पल बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है दोस्तों, के ओवर ईटिंग की वजह से आपका वेट पुट ऑन होता है, कहते ना वो छलक जाता है जो पैमाना होता है, कोई भी चीज ओवर सही नहीं होती, एक लिमिट में दुरुस्त होती है, म्याना रवि। ओवर ईटिंग की वजह से आपका वेट पुट ऑन होता है, तो खाना खाने से पहले अगर आप 3 एप्पल खा लें तो इससे ओवर ईटिंग से आप बच जाएंगे और आपका वेट काफी हद तक कंट्रोल में आएगा। सेब की करते हैं कटिंग, आयरन होता है इसलिए आप ज्यादा देर तक काट कर नहीं रख सकते, ठीक है, उसी टाइम आपने काटना है। बीज निकाला, इसके आपने 2 पीस किए, उसके बाद स्लाइस कर लेना एप्पल को, ठीक है। आप चाहें तो इसके अंदर अमरूद, जिसमें दुनिया में सबसे ज्यादा हेल्दी जो फ्रूट है या जिसके ज्यादा फायदे हैं वो अमरूद है, एप्पल काट रहे हैं, साथ ही कॉलर भी मौजूद है, बात करते हैं उनसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक, आप बताइए कैसी हो माँ खैरियत है? रोल बना रहे हैं आज आप? जी आज स्प्रिंग रोल बना रहे हैं, और आप बताइए? स्प्रिंग रोल बना रहे हैं। अभी मैंने मांडा पट्टी का पूछ रही थी, मैंने ना अभी समोसे बनाए थे, तो मैंने वो मेरे हस्बैंड
ज्यादा जरा ले आए थे वांडा पट्टी, तो वो दो चार दिन से खराब हो गई थी फौरन। कब, कितने दिनों में? मतलब तीन चार दिन ही हुए थे उसको रखे हुए, जो मैंने जब निकाली उसको, मैंने कहा मैं रोल वगैरह बना लूं तो वो फिर खराब हो गई। हो जाती है ये, ड्राई हो जाती है, ठीक है ना? तो इससे ज्यादा दिन देर तक रोल बनाकर तो आप फ्रिज में रख सकते हैं, ठीक है? रोल कड़क भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये एक दफा ये कड़क हो जाए, क्रिस्पी हो जाए, तो उसके बाद रोल नहीं बनती, पापड़ी की तरह क्रिस्पी हो जाती है। तो इसे आप ज्यादा दिन तक रख नहीं सकते, ठीक है? एक दो दिन रखिए, और इसके अलावा कवर करके रखिए आप, ठीक है? बटर पेपर जो होता है ना उसके अंदर आप कवर करके रखिए तो बेहतर, जरा सी इसके अंदर हवा लगती है, अगर यहाँ भी रखो एक घंटे तक तो ये कड़क हो जाएगी, तो इसे ज्यादा तक यूज नहीं किया जा सकता। मतलब बना के रख लें, बना कर रख लें या उसी दिन लीजिए या एक आध दिन रख लिया तो ठीक है, उससे ज्यादा ना नहीं रख सकते आप, ठीक है ना? थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तो हमारे मौजूद रही है एप्पल की, कर रहे हैं कटिंग फ्रूट चाट के लिए, और फ्रूट चाट ना सिर्फ खवातीन बल्कि मर्द हजरात भी बहुत अच्छा बनाते हैं, और बहुत शौक से बनाते हैं मर्द हजरात फ्रूट चाट, ठीक है? और जो मर्द हजरात देख रहे हैं या मौजूद, वो भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे दोस्तों, फ्रूट चाट का अपना ही मजा, हेल्दी भी है और काफी मजे का, ठीक है? सवाल आप सुन चुके हैं कि मेहरान फूड की जो बिरयानी रेंज में आपकी पसंदीदा बिरयानी कौन सी और क्यों है, जवाब देंगे आप फेसबुक की दुनिया में, मेहरान फूड के फेसबुक पेज पे जाके जिसका लिंक चल रहा होगा, ठीक है? सब फ्रूट्स काट चुके हैं, और देखिए दोस्तों काफी कलरफुल और मजे के फ्रूट्स लग रहे हैं, ठीक है? एप्पल भी है और मिक्स फ्रूट है, देख सकते हैं आप। इसी के अंदर ऐड करते हैं फ्रेश क्रीम, ठीक है? क्रीम ठीक है दोस्तों, और गुड मिल्क की क्रीम शामिल कर रहे हैं फ्रूट कॉकटेल में, जिसकी देखिए कंसिस्टेंसी, टेक्सचर सब कुछ बहुत ही आला। जरा सी चीनी ऐड करनी है, बाकी फ्रूट चाट की बहुत वैरायटी है। रेस्टोरेंट जहाँ का मैं हेड हूँ दोस्तों, वहाँ एक फ्रूट चाट बनाते हैं जिसका नाम होता है पंच समर, तो उसमें सीजन के पांच फ्रूट्स होते हैं और ऑरेंज भी ऐड किया जाता है, ऑरेंज जूस भी, उस तरह भी आप बना सकते हैं, लेकिन डिफरेंट तरह की। कॉलर है, बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? जी रुखसाना जैदी जी, परफेक्ट, आप बताइए। चीनी बेट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, और माशाल्लाह से जो आप बना रहे हैं फ्रूट चाट जबरदस्त, और इसके अंदर जैसे भी आपने बहरान की ये फ्रूट डाले जी, तो जी। इसमें इतने सारे फ्रूट नजर आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा कलरफुल हो गया, और फिर आपने क्रश कर दिया इसके अंदर एप्पल, और एप्पल की तो क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त चीज होती है। एप्पल डे के तुझे डॉक्टर अवे कहा जाता है, लेकिन जिनके घर खुद डॉक्टर हो उनको कैसे कहेंगे भाई हट हटो। क्या आप डॉक्टर हैं? क्या कह रही हैं? I'm so sorry, क्या कहा आपने? मेरी बहन डॉक्टर है। अच्छा, तो उनको तभी बोल सकते हैं कि किस से डॉक्टर अवे, लेकिन ये है कि वो अच्छा अच्छा उनको नहीं कहते कि इस डॉक्टर अवे, हाँ ये बात तो दुरुस्त है, नहीं डॉक्टर अच्छा, तो फिर नाराज हो जाएंगे वो, तो चाहेंगे जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। फरमाइश भी करनी है कि आप चाइनीज चिकन वेजिटेबल राइस बनाना सिखाइए। चलें जरूर, वैसे ये रोल भी चाइनीज है जो आज बना रहे ना, ये आपको फाइव स्टार होटल में मिलेंगे कराची के, उसी तरह की जी, ठीक है ना? बहुत बहुत शुक्रिया रुखसाना जी, हम सो सॉरी ब्रेक का वक्त हो रहा है। अच्छा दोस्तों, फ्रूट चाट निकालते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि प्रेजेंटेशन करनी, फ्रूट चाट तैयार हो चुका है, लेकिन मेन चीज की आपको बताता हूं, मेन चीज ये कि ये जो वेजिटेबल सोते कर चुके हैं इसके मैं बना रहा हूं रोल, ठीक है? और आप देख लीजिए, और बाकी ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करें। रोल के लिए क्या करना है कि आपने मांडा पट्टी ली, ठीक है? इस तरह आपने रखा, ठीक है दोस्तों, और इसमें आपने वेजिटेबल जो ये ठंडी कर लिए यहाँ सेट करना है। इसमें हम बॉयल अंडे भी हम शामिल करते हैं कुछ देर में, ठीक है? बॉयल अंडे वेट करने के बाद इस तरह आपने रखा, उसके बाद क्या करना है कि आपने इस तरह यहां तक लाए और इस तरह खींचना, और इस तरह आपने इसको रोल बनाना है। यहां तक आने के बाद आपने इस तरह कवर किया और अंडा लगाना, ठीक है? इस तरह से मैं कर रहा हूं, आप लीजिए छोटे से ब्रेक, ब्रेक के बाद ही कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक के दौरान मैं बॉयल अंडे भी शामिल करता हूं, मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद। Thank you.
आइए दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर शो। आप देख रहे हैं शेफ 21 और आज हमारा सवाल इतना सा है दोस्तों कि मेहरान फूड्स की बिरयानी रेंज जो है जिसमें काफी वैरायटी है, उसमें से आपकी फेवरेट बिरयानी कौन सी और क्यों है? इस सवाल का जवाब देंगे अब मेहरान फूड के फेसबुक पेज पे जाके, जिसका लिंक आपकी टीवी स्क्रीन के सामने चल रहा होगा। ठीक है, कौन सी और क्यों है? और साथ ही लकी ड्रॉ के बाद 4 से विनर्स होंगे जो गिफ्ट हैम्पर, माइक्रोवेव ओवन और बाकी इनामात भी जीत पाएंगे। आज स्प्रिंग रोल की करें तैयारी दोस्तों। वेजिटेबल हमने भून लिया था, उसके बाद इसमें अंडा भी शामिल किया दोस्तों। मांडा पट्टी रखा यहाँ पे और इसमें हम शामिल करते हैं ये भुनी हुई जो वेजिटेबल है दोस्तों, ये चाइनीज स्टाइल के बना रहे हैं। ठीक है, और बहुत कम जगहों पे ऐसे मिलते हैं, लेकिन ये इसका अपना ही मजा है। वेजिटेबल भी है लेकिन काफी अच्छे होते हैं, मजे के होते हैं। वेजिटेबल रखी, ये मांडे को आपने यहाँ तक लाए, जरा सा खींचना, उसके बाद आपने रोल बना लिया। रोल बनाने के बाद आपने ये एजेस बंद की, फिर जरा सा और आगे लाए दोस्तों। ये अंडे को आपने, अंडे के अंदर आपने मैदा अप्लाई किया और इसे आपने यहाँ इससे जरा इसकी लगाना ताकि इसकी आप इसकी कोटिंग कर सकें, और उसके बाद ही रोल आपने कर लेना तैयार। वन मोर देखिए, ये आपने मांडा पट्टी ली। ठीक है, और बहुत से आपस में जाहिर जुड़ भी जाते हैं तो काफी थिक हो जाते, तो थिन निकाल लीजिए। ठीक है, अलीदा से। ठीक है, और इसमें शामिल करते हैं दोस्तों वेजिटेबल। ठीक है, ठंडा कर लेना सब्जी को ताकि इजीली इसका आप रोल कर सकें तैयार। ठीक है, सेट किया, उसके बाद फिर से आपने इस तरह कवर करना है। ठीक है, क्विकली कर सकते, इतना टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है, इस तरह यहाँ आप लाए और इसके बाद आपने जरा सा अप्लाई किया अंडा। रोल कर लेना तैयार। वन मोर देखिए, मांडा पट्टी रखी। ये जरा सा कभी थिक हो दोस्तों तो उसे आप निकाल भी सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये रखा वेजिटेबल भुनी हुई। ठीक है, जरा सा अंडा भी रख सकते हैं, उसके बाद इस तरह लाए यहाँ तक पहुंचे, फिर कवर कर लेना। ठीक है दोस्तों, इस तरह आप इजली कर सकते हैं तैयार, कोई इतना मुश्किल नहीं। बाकी इसके अंदर आप चाहें तो मीट भी, चिकन भी, फिश भी और कुछ भी आप जो चाहें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आज हमने स्प्रिंग रोल और साथ ही फ्रूट चाट भी हमारी क्रीमी हो चुकी है तैयार, और क्विकली करना है दोस्तों। ठीक है, थिन आपने निकाल लेना जितना हो सके। ठीक है, कोई खराब भी हो सकता है, रखा। उसके बाद दोस्तों ये सब्जी आपने रखी यहाँ। ठीक है दोस्तों, मंजूर इलाही साहब भी मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, एक बार भाई मंजूर इलाही कॉर्निंग बोला हरिपुर से। K21 में कैसे हैं जनाब? ठीक ठाक मंजूर साहब, आप बताइए कैसे हैं खरीदे? बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जबरदस्त। अच्छा दो बातें, कल का बीन्स जबरदस्त और कल के खट्टे आलू। समझता हूँ कि आज के रमजान में ऐसी डिश जो है वो बहुत जरूरी होती है, प्रोटीन्स और ताकतवर और बेहतरीन रिच रेसिपी और सस्ती, सबसे सस्ती। जी जी, बहुत शुक्रिया मंजूर भाई, ये मोहब्बतें प्यार और आई थिंक ये तो अल्लाह की माशाल्लाह। और ये ज्यादा बात निकले, कैमरा मैन मेरे भाई एमसीआर पीसीआर सब लोग ठीक हैं? जी जी बिल्कुल, एमसीआर पीसीआर टीसीआर कैमरा मैन सब बहुत खुश हैं एंड मजे में माशाल्लाह। अच्छा अब एक छोटी सी बात करता चलूं कि ये जो खट्टे आलू, मैं उनको रेम्बो कलर के साथ बनाता हूँ, रेड और ग्रीन उबालने के बाद कलर दे के, और फिर उसमें अचारी मसाला डाल के भी मैं बनाता हूँ। किस चीज में? अचारी मसाला। इसमें रोल के अंदर? नहीं, आलू आलू। अच्छा, आलू की बात। जी आई थिंक बहुत अच्छी बात है मंजू साहब, कितने क्रिएटिव हैं और कुकिंग भी करते हैं आप, क्या बात है। बड़ी मेहरबानी, जब ही आपकी दोनों वाइफ खुश हैं, जाहिर इतने अच्छे अच्छे खाने जो बनाते हैं। खाना खाने के साथ साथ जबरदस्त है, वो सब खुश है, बेहतरीन है। अच्छा दूसरी बात ये थी कि मैं एक बात कहता चलूं कि मेहरबानी करके जब रमजान है और ईद आने वाली है, तो मैं कहता हूँ गरीबों का और पड़ोसियों का और साथ वालों का बहुत ज्यादा। जी जी, अल्लाह ताला जो है बहुत खुश होता है, क्योंकि ईद आने से पहले पहले अपना सदका और फितराना दे दे, गरीबों तक पहुंच जाए, ताकि अल्लाह ताला आपका खुश हो और आपके ऊपर मेहरबानियों और ज्यादा हो। आमीन, बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर इलाही साहब। दोस्तों मंजूर साहब मौजूद है, रोल जो बना चुके हम कर रहे हैं फ्राई, और कोशिश कीजिए जितना पास जाके इजली फ्राई करो। इसकी सब्जियाँ
ये हमने बहुत मजे के रोल हैं, बाहर से आपको दोस्त इस तरह के नहीं मिलेंगे जो बनाएंगे। इसका अपना ही मजा, हेल्दी है। और आपको बताऊं कि बहुत सी जगहों पे क्या होता है, समोसे और रोल जो फ्राई होते हैं, जब तक ऑयल उसका बिल्कुल खत्म ना हो जाए तब तक उसी में फ्राई किया जाता रहता है, विच इज एक्सट्रीमली बैड फॉर योर हेल्थ। ठीक है, कोशिश कीजिए कि खुद बनाइए। ठीक है, रोल जो तैयार हो चुका है, हम टर्न कर रहे हैं। कलर देखिए आप, परफेक्ट आपने रखना है इसका ऑयल का टेम्परेचर भी, ताकि इसका परफेक्टली कलर आए। ठीक है, एक तरफ से कलर आया। ठीक है दोस्तों, चाइनीज स्टाइल की रोल है लेकिन मजे के। ठीक है, जिसका कलर आ चुका उसके बाद से आपने टर्न करना है। वेजिटेबल तैयार थी, बस कलर लाना है, उसके बाद निकालना है और रोल जस्ट अबाउट टू रेडी। साथ ही फ्रूट चाट भी बना रहे हैं। सवाल इतना सा है कि मेहरान की बिरयानी रेंज में आपकी सबसे पसंदीदा बिरयानी कौन सी और क्यों है, जवाब दे रहे हैं फेसबुक की दुनिया में। और देखिए जो रोल फ्राई हो रहे हैं निकालते भी हैं। ठीक है, और निकालने से पहले आपने टिश्यू रखना है ताकि ये एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है दोस्तों, इस तरह। और ये एज इट गेट ब्राउन तो उसके बाद से निकालना है। ठीक, अच्छा बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना, आप निकालिए कुछ देर के बाद, जैसे इसकी हवा जरा सी लगती है दोस्तों, एयर लगती है और ज्यादा ब्राउन हो जाता है, तो नॉर्मल कलर होकर निकालना है। मजे के सीम्स ग्रेट, और आपको दिखाते हैं इसका अंदर से भी कितने मजे के। दोस्तों रोल जो बिल्कुल हो चुके हैं फ्राई, बाकी रोल भी हम बना लेंगे। स्प्रिंग रोल हमने किए तैयार और इसके अंदर मीट चिकन जो भी आप चाहें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चूल्हा करते हैं बंद, चलते हैं इसकी जरा प्रेजेंटेशन की जानिब। ऑयल एहतियात से दोस्तों, ऑयल का जलना यकीनन बहुत खतरनाक होता है, बहुत एहतियात के साथ। ठीक है, और ये जो रोल हो चुके हैं तैयार, इसकी प्रेजेंटेशन की तरफ चलने से निकालते हैं। ठीक है, और इसके लिए क्या करना है दोस्तों, ये वाइट प्लेटर रखा। ठीक है, और इसमें जरा सिम करते हैं गार्निश भी, सैलड लीफ, एंटीऑक्सीडेंट इसके फायदे भी रखा। ठीक है, और साथ ही दोस्तों केचप या मेहरान का हम इसके अंदर भी ऐड करते हैं, आपको बताते हैं किस तरह करना है। दोस्तों रोल कोशिश करनी है कि आपने इसको क्रॉस काटना, आपको दिखाते हैं। ठीक है, रोल लिया, सीधा कभी भी ना काटिए, जरा से बोर्ड क्लीन करते हैं। ठीक है, क्रॉस काटना है इस तरह से। ठीक है, तो ये देखिए अंदर काफी है, मजे का। ठीक है, इस तरह आपने इसे सेट कर लेना। ठीक है, वाह जी वाह दोस्तों, अफ्तार की रौनक में इजाफा करेगा और आपने खुद ने बनाया होममेड रोल का अपना ही मजा। ठीक है, इस तरह से आपने इसे रख लेना। ठीक है, वाह, बस जैसे ही दोस्तों से आप सॉस के अंदर डिप करके खाएंगे आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, स्टफिंग भी इसकी परफेक्ट है एंड रोल भी मजे के। ठीक है दोस्तों, लास्ट जिसे भी हम इसी तरह से हम काट लेंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये बहुत मजे के रोल हो चुके हैं तैयार, लेकिन साथ ही इसके ऊपर जब अगर चटनी ना हो तो मजा नहीं आता। या हम क्या कर रहे हैं कि चिली गार्लिक सॉस, जिसमें हल्की सी खटास भी होगी, हल्की सी तेजी भी होगी, आपने रोल के ऊपर इस तरह से डालना है। ठीक है, इस तरह से, वाह, ठीक है दोस्तों, और इसे हम यही रखते हैं। ठीक है, और साथ ही जरा सी गार्निश के लिए कैबेज ले लेते हैं, जूलियन करना है, इस तरह रखा यहाँ। अच्छा दोस्तों, चाइनीज कुजीन में इस तरह होता, आपने देखा होगा कि कैबेज को इस तरह काटने के बाद इस तरह ऊपर से इस तरह डालते हैं लोग, इस तरह करते हैं। देखिए इनका ये स्टाइल होता है चाइनीज में। ठीक है, और ये बिल्कुल दोस्तों रोल हो चुके हैं तैयार, जरा सी क्लीनिंग, और साथ ही बहुत मजे की जो मिक्स फ्रूट से जो चाट तैयार की थी, इसकी खास बात बनाने वाले से ज्यादा आई थिंक कुदरत की जितनी चीजें इसके अंदर शामिल की गई हैं, सब में सेहत है, जिंदगी है, जायका है, सब कुछ है। क्योंकि इस फ्रूट के अंदर दोस्तों, इसके अंदर क्या है, एप्पल भी है, पीच भी है, पाइनएप्पल भी है, चेरी भी है, तो काफी मजे की फ्रूट चाट। ठीक है, उसमें शामिल किया था एप्पल और क्रीम भी। ठीक है, और साथ ही दोस्तों यहाँ मौजूद एक ऑन द अदर एंड राइट हैंड पे हमारे
گابا نیشنل ہوم اپلائنسز کی جانب سے فریج جس کی کولنگ بہت اچھی ہے, چاہے اس میں میٹ پرزرو کرنا ہو, ویجیٹیبل فروٹس, شیکس, جوس یا لسی, تو بالکل موجود ہے. اور کچھ ریسیپیز ایسی ہوتی ہیں جو آپ نے افطار کے ٹائم بنایا یا افطار کے بعد شیر میں انجوائے کرنا ہوتا ہے, تو اسے پرزرو کر سکتے ہیں گابا نیشنل میں. ٹھیک ہے, اور یہ فروٹ چاٹ دوستوں اسے ٹھنڈا کر لینا آپ نے, فروٹ چاٹ کو ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسے نکالتے ہیں, اسے نکال دیں. ٹھیک ہے, دوستوں آلویز گو فار دی نیچرل تھنگز, اور یہ قدرتی چیزیں ہیں فروٹ, جتنی چیزیں ہیں. واہ واہ واہ, امیزنگ. آن ٹاپ آپ جیلی اور کوئی کلرفل چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ویل دوستوں, ساتھ ہی وقت آ چکا ہے اجازت لینے کا, بہت بہت شکریہ مجھے شفیق بال چوک ہماری پوری گریٹ ٹیم کے ساتھ. دیجیے اجازت, ذرا سی صفائی اور سوال اتنا سا تھا کہ مہران فوڈ کی بریانی رینج میں آپ کی سب سے زیادہ پسندیدہ بریانی کون سی ہے, اور فیس بک کی دنیا میں مہران فوڈ کے فیس بک پیج پہ جا کے آپ جواب دیں گے کون سی اور کیوں ہے. کل کے شو میں انشاءاللہ اناؤنس کریں گے کال کون مائکرو ویو اوون اور باقی نامہ جتنے میں کامیاب. تھینک یو سو مچ, مجھے اقبال چوک ہماری پوری گریٹ ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس میسج کے ساتھ کہ تلوار دو طرح کی ہوتی ہے, ایک لوہے والی اور محبت والی, ایک لوہے والی دوسری محبت والی. فرق صرف اتنا سا ہے کہ لوہے والی ایک کو دو کرتی ہے جبکہ محبت والی دو کو ایک. بہت شکریہ, اللہ حافظ.